हाय गाइस, तो आज हम लोग कुछ अच्छे प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो क्या होगा कि मैं आपको एक प्रॉब्लम लिखूंगा यहाँ पे, और आपको उसको ट्राई करना है अच्छे से, उसको टाइम देना है थोड़ा सा, और फिर अगर आप पे बनता है तो अच्छी बात है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, और अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम है, ओके, तो ये है मेरा प्रॉब्लम, है ना। तो इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, जी इज़ द इनवर्स ऑफ एफ, ये जी लिखा हुआ है। ओके, जी इज़ द इनवर्स ऑफ एफ। तो अगर आपको पता है कि ये क्या होता है तो वेरी एंड गुड, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक और हिंट दे देता हूँ आपको, जिनको नहीं पता है। जी इज़ द इनवर्स ऑफ एफ का मतलब है, जी इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। और इसी को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी हिंट है। अगर आपको ये क्लियर हो गया ये क्या है, और आपको एक वो मेथड पता हुआ है, तो डेफिनेटली आप ये प्रॉब्लम कर लोगे, है ना, अगर आपने पुराने लेक्चर देखे हुए हैं तो, ठीक है। मतलब मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ओके, तो आप लोग ट्राई कीजिए एक बार इसको, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, मुझे है गिवन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ, डेफिनेटली ये डिफरेंशिएशन चल रहा है तो एफ डैश एक्स की ज़रूरत तो हमको पड़ेगी ही सही, है ना। तो एफ डैश एक्स कितना होगा, 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, हाँ। उसके बाद में सेकेंड चीज़ मुझे क्या गिवन है, जी इज़ द इनवर्स ऑफ एफ, मतलब कि जी इनवर्स एक्स मेरा कितना होगा, एफ ऑफ एक्स। इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है जी डैश ऑफ पाई बाय 4 प्लस 1 बाय रूट 2। अब देखिए यहाँ पे आप एक और चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, अगर मैंने इसी को डिफरेंशिएट किया, एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1, ठीक है। इसमें लगेगा चेन रूल, ओके, ये चेन रूल लगेगा इसमें। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट इज जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब कि जो मेरा जी डैश एफ ऑफ एक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय एफ डैश एक्स। अब मैंने यही इस तरफ क्यों लिया, क्योंकि जो मुझे वैल्यू फाइंड करना है वो जी डैश ऑफ समथिंग है ना, इसलिए मैं उस फॉर्म में इसको लाया हूँ, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूँ, पाई बाय 4 प्लस 1 बाय रूट 2, ठीक है ना। देखिए एफ डैश एक्स तो मैंने निकाल ही रखा हुआ था, है ना, अगर मैं एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 प्लस 1 बाय रूट 2 पुट करूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 4
प्लस 1/√2, तो जो मुझे निकालना है वो आ जाएगा, है ना। एक सेकेंड, मैंने क्या किया है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट किया है, पाई बाय 4 प्लस 1/√2। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यही उसने पूछा हुआ है ना। तो देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स कितना था मेरा, एफ ऑफ एक्स था एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस 1/√2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स या पाई बाय 4 रखूँगा तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा, और साइन ऑफ पाई बाय 4 1/√2 होता है। तो यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा, पाई बाय 4। ओके, तो इसका मतलब है कि जब मैं एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 रखूँगा तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस 1/√2, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे पाई बाय 4 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/√2। अब इसी को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा √2/√2 प्लस 1। बस यही वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना थी। इसको अगर आप रेशलाइज कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये मेरा होगा आंसर। ठीक है, हो सकता है सॉल्यूशन देख के आपको लग रहा हो कि इतना सिंपल नहीं है, पर बिलीव मी, अगर ये हिंट ना मिले और आप अगर इस तरीके से नहीं सोचोगे चेन रूल जैसा, तो ये क्वेश्चन वाकई में थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। मतलब आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा अगर आप ऐसे क्वेश्चन पहली बार कर रहे हो तो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने थोड़ा सा सिमिलर ही रखा हुआ है, मतलब उसमें जी इज़ द इनवर्स ऑफ एफ वाली चीज़ ही आएगी, और इस बार आप लोग ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आपसे बनना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स, एल एन एक्स मीन्स नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स, एंड जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, सॉरी एफ नहीं लिखा मैंने, एफ, देन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एल एन ऑफ टू। ठीक है, यहाँ पे इज नहीं है, सॉरी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अब बहुत सिंपल है, दोनों साइड लॉग लेता हूँ, नेचुरल लॉग, तो इट विल बी एल एन ऑफ ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स। ठीक है, ये एल एन, ये एफ ऑफ एक्स आगे आएगा और ये 1 हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एल एन ई 1 हो गया, तो ये हो गया एल एन ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसी का मैं डिफरेंशिएशन निकाल लेता हूँ। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, इसमें चेन रूल लगेगा, चेन रूल अप्लाई होगा, तो एल एन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, दैट इज 1/ln x, और फिर एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन अंदर वाले का, दैट इज 1/x, तो ये कितना हो जाएगा, 1/x ln x, ये हो गया मेरा एफ डैश एक्स। अब सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। ये ऐसा जब भी होता है तो हम लोग का क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होता है, एक्स।
ठीक है, वापस बोथ साइड में डिफरेंशिएट करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल अप्लाई होगा, दैट इज़ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू वन, यहाँ से ही आ जाएगा जी डैश एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाय एफ डैश एक्स। ओके, अब एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी थी, एफ डैश एक्स की वैल्यू थी वन बाय एक्स एल एन एक्स, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स एल एन एक्स, तो मेरा जो ये है जी डैश एफ ऑफ एक्स वो कितना आ गया है एक्स ऑफ एल एन एक्स। ओके, तो अब उसके बाद में अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एल ऑफ एल एन ऑफ टू, सॉरी ये जी डैश एल एन ऑफ टू फाइंड करना था मुझे यहाँ पे, ठीक है। ओके हाँ, तो जी डैश एल एन ऑफ टू अगर मुझे फाइंड करना है तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना है एल एन ऑफ टू, क्या है एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखना है एल एन ऑफ टू, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा जी डैश एल एन ऑफ टू, इसकी वैल्यू मुझे निकालना है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा एल एन ऑफ टू। अब एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स है एल एन ऑफ एक्स दैट इज एल एन ऑफ टू, इसका मतलब अंदर का एल एन ऑफ एक्स वो किसके इक्वल होगा टू के, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा ई टू द पावर टू के। ओके, मतलब कि अगर मुझे ये वैल्यू निकालना है तो मुझे एक्स की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ई टू द पावर टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह पे एल एन ऑफ टू पुट किया तो एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ई टू द पावर टू, या जाएगा एल एन ऑफ ई टू द पावर टू, ये टू आगे आएगा तो एल एन ई वन हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा टू इंटू ई टू द पावर टू, ये मेरा आंसर होगा। ओके, तो ये कुछ अच्छे प्रॉब्लम थे, आप लोगों पे अगर बने हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको ये चैप्टर थोड़ा सा समझ में आया है और बेसिकली आपको चेन रूल का एप्लीकेशन समझ में आया है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में चेन रूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था, ठीक है ना। थैंक यू।